अस्सलामु अलैकुम। कराची में लर्जाखेज वाकये पर फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। एहसानाबाद से खातून की गोली लगी, लाश बरामद। जुल्म व बर्बरियत की नई दास्तान रकम कर दी। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चले कि कराची में एहसानाबाद अल्लाह बख्श गोट के करीब एक खातून की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू जराई का कहना है कि खातून को चेहरे पर गोली मारकर कत्ल किया गया है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि लाश जब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त यारी की रिहायशी 30 साल की रिमशा के नाम से हुई है। मकतूला किसी के साथ मोटरसाइकिल पर एहसानाबाद तक पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि मकतूला का आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। मकतूला के शौहर इरफान से राब्ता हो गया है। वाकिया जाती रंजिश का मालूम होता है। पुलिस का कहना है कि मकतूला का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है।